पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक ओर बीजेपी लगातार पंजाब सरकार को निशाने पर ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि पीएम अगर खुद सुरक्षित नहीं तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि आज पीएम मोदी को किसानों से खतरा है। किसानों को दिल्ली आने से रोका गया, यहाँ तक कि 1.5 साल तक पीएम ने किसानों से बात तक नहीं की। पीएम को देश के किसानों पर भरोसा नहीं। नतीजे जाप करके ढकोसला कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं चन्नी का, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे अनदेखा किया। वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगी थी, 700 लोग नहीं थे। बड़ी बात ये है, आखिर 70,000 कुर्सियों को संबोधित करने प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं? तो उन्होंने इस प्रकार से तत्काल, जिस प्रकार से आरएसएस डीजीपी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है, उसी प्रकार से ये भी उसी का हिस्सा है।